तो गाइस आज एक मैं न्यू टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी कि डॉग के एज के हिसाब से उसका वेट कितना होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मेरा पपी 2 मंथ का है, 6 मंथ का है, 8 मंथ का है या फिर 2 ईयर का है, उसका वजन कितना होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉटवाइलर के बारे में कि रॉटवाइलर की जो एज होती है उसके हिसाब से उसका वेट कितना होगा। और फिर अगर आपको और भी डॉग के ऊपर ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं वो भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि रॉटवाइलर की मैं आपको दूंगा, फिर आपको उसके वेट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके पॉपुलैरिटी के बारे में। तो ये डॉग ब्रीड सारे देशों में, सारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है। कहीं कहीं जगह इन्हें काफ़ी जगह बैन भी किया है, बट अभी वहाँ पर उन्होंने अनबैन भी कर दिया है। तो इनकी रैंकिंग की बात करें तो इनका जो रैंक है वो 8 रैंक है, जो काफ़ी अच्छा है। और इनकी हाइट की बात करें तो जो मेल में होती है 24 से लेकर 27 इंच तक, और फीमेल में होती है 22 से लेकर 25 इंच तक। तो गाइस इनकी लाइफ स्पेन की बात करें तो 9 से लेकर 10 ईयर तक इनकी लाइफ स्पेन होती है। और इनका ग्रुप जो है वर्किंग ग्रुप आता है, यानी वर्किंग कैटेगरी के डॉग ब्रीड इन्हें कहा जाता है। गाइस जो रॉटवाइलर डॉग ब्रीड है वो काफ़ी लविंग नेचर की डॉग ब्रीड है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काफ़ी डेंजरस डॉग ब्रीड है, बट ऐसा रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी देखना, अभी बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो भी देखने को मिलेंगे जो कि बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रॉटवाइलर खेलता है, और घर में अगर ज़्यादा जान है जैसे कि 5-6 मेम्बर है तो भी अच्छे से उनको उनके साथ खेलता है। बट उन्होंने क्या ज़्यादा आपको पहले से उनको थोड़ा बहुत सोशलाइज ट्रेनिंग सब देनी ज़रूरी है ताकि वो आपके साथ घुल मिल जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छे से संभाल नहीं सकते, यानी जो डॉग ओनर की जो जिम्मेदारी होती है, जो उनको करना होता है, वो सब कुछ नहीं करते, तो उसके कारण रॉटवाइलर क्या एग्रेसिव होता है। और कभी कभी बहुत सारे डॉग ओनर क्या करते हैं उन्हें मस्ती में या फिर खेलने खेलने में उनको एग्रेसिव करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रॉटवाइलर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही बनाता है। अगर आप एक अच्छे डॉग ओनर हो, आप उसे अच्छे से लविंग नेचर के साथ रहते हो, अच्छे से खेलते हो, तो वो बच्चों के साथ, आपके फैमिली के साथ, और आपको एक अच्छा गार्ड डॉग भी मिल जाएगा। अगर आप वॉच डॉग बनाना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। और गाइस आपको बता दूं, कभी भी आप रॉटवाइलर या कोई भी पपी बाय करते हो तो एटलीस्ट 1 मंथ के ऊपर उसकी एज होनी चाहिए, तभी आप घर पे लाइएगा। नहीं तो क्या होता है, उसकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और कभी कभी जो डॉग की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। अगर आप जैसे कि 1 मंथ के ऊपर लेके आते तो उसको उसका माँ का दूध अच्छे से मिल जाता है, प्रोटीन न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाता है, और आपके साथ भी अच्छे से सर्वाइव फिर वो कर सकता है। इसलिए 1 मंथ के ऊपर ही आप लेके आइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 से लेकर 4 की, जो 4 मंथ का आपका डॉग हो तब उसका वज़न कितना होना चाहिए। तो मेल में आपको बता दूं तो मेल में 3 मंथ का अगर आपका डॉग हो तो उसका वज़न जो है 17 kg होना चाहिए, और फीमेल में 14 kg के आसपास होना चाहिए। अगर 1-2 kg आगे पीछे हो तो आप अच्छे से डाइट उसको फॉलो करवा सकते हैं। और अगर 4 मंथ का आपका डॉग ब्रीड है तो उसका वज़न 23 kg तक होना चाहिए, और फीमेल में हो तो उसका जो वज़न है 17 kg के आसपास होना चाहिए। अब बात करते हैं 5 से लेकर 6 मंथ के बीच में आपके डॉग का कितना वज़न होना चाहिए। तो ऐसे में मेल का होना चाहिए 32 से लेकर 33 kg के आसपास, 35 भी हो तो भी चलेगा। और जो फीमेल का होता है वो थोड़ा कम होना चाहिए, जैसे कि 24 से लेकर उसका जो अगर 30 के आसपास हो तो भी चलेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिक्कत की बात नहीं होती उसमें। तो इसमें अगर क्या होता है, अगर आपके डॉग को प्रॉपरली इस तरह से अगर 6 मंथ की एज में इतना वज़न नहीं है तो आप अपने डॉक्टर की राय लेके उसका बॉडी चेकअप करवा सकते हैं। मल्टीविटामिन, डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम ज़रूर कराएं, डाइट अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आपका डॉग नॉनवेज वगैरह खाता है तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर उसकी हेल्थ बढ़ाने के लिए आप बॉयल एग देना चाहते हैं तो वो भी आप उसको दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं 7 मंथ से लेकर 9 मंथ तक उसके कितना वज़न होना चाहिए। तो ऐसे में जो मेल डॉग होता है उसका वज़न 40 से लेकर 46, यानी 40 से लेकर 46 kg के आसपास होता है, और जो फीमेल का होता है वो 34 से लेकर 36 kg के आसपास होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत आप कम करवा सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा फैट हो तो भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है ये। इसलिए ज़्यादा ओवर फीडिंग कभी भी ना कराएं अपने डॉग को कि ज़्यादा खाने को दो, ये खाए वो खाए। ऐसा ओवर फीडिंग भी करवाने से उसको हेल्थ पे असर होता है और उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा, और चर्बी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो अब बात करते हैं हम फाइनल जो है 10 मंथ से लेकर 12 मंथ तक कितना उसका वज़न होना चाहिए। तो ऐसे में जो मेल का है वो 50 kg के आसपास होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा बहुत कम होता है, यानी 46-47 के, मतलब 46 या 47 के आसपास होता है तो भी चलेगा। और जो फीमेल में होता है वो 36 से लेकर 43 के आसपास होना चाहिए। अगर इससे कम है तो थोड़ा आप डाइट उसे दे के अच्छे से फिट करवा सकते हैं। जो फीमेल होती है उसका आपको ध्यान रखना है, हीट पर आने से पहले आप उसकी डिवॉर्मिंग ज़रूर कराएं, अच्छा न्यूट्रिशन कैल्शियम आप ज़रूर दें ताकि वो टाइम टू टाइम हीट पर आ सके।
अगर नहीं आ रही है तो आप जाके डॉक्टर की राय ज़रूर लीजिएगा, डॉक्टर को ज़रूर से दिखाइएगा। आप ऐसे कोई वीडियो मत दिखा के देखिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके डॉग की हेल्थ है वो किसी वीडियो के ज़रिए मैं नहीं बता सकता या फिर कोई भी नहीं बता सकता। वो डॉक्टर प्रॉपरली आपके डॉग की बॉडी चेक करेगा, उसके बाद अगर कुछ कमी है या फिर कुछ ऐसा उनको दिक्कत लग रही तो वो टैबलेट वगैरह आपको दे पाएंगे और वो टाइम टू टाइम जो हिट पे भी आएगी। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरा 3 मंथ का है कितना वज़न होना चाहिए, 4 मंथ का है कितना वज़न होना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में बताया प्रॉपरली इतना कितना नहीं, 1-2 किलो वज़न आपका आगे पीछे भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डॉग की हेल्थ ख़राब है तो वज़न कम भी हो सकता है, ध्यान रखना, इसलिए उसकी हेल्थ का अच्छे से केयर कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।